दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, सरफराज खान और जडेजा को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो वीडियो को दिल से लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन जब भारत के गिर चुके थे 50 रन के कुल स्कोर पर 4 विकेट, मुश्किल में थी हमारी भारतीय टीम, तब भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने संकट मोचन बनते हुए ठोका शतक। तो ये देख सरफराज खान और रविंद्र जडेजा का भी जमकर दहाड़ा बल्ला। जी हाँ दोस्तों, तो अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से कैसे उन्होंने करवाई टीम इंडिया की वापसी। उनकी धुआंधार बैटिंग के साथ साथ इस पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली, सरफराज और जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी है? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि भारत का श्रीलंका दौरा बराबरी पर खड़ा है। टी20 सीरीज भारत ने अपने नाम करी तो वनडे सीरीज श्रीलंका के नाम रही, जिसके बाद टेस्ट सीरीज में हिसाब बराबर करने के लिए टीम इंडिया और प्रेमदास स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में दो दो हाथ करने के लिए कदम रख चुकी है। जहाँ इस पहले टेस्ट मैच में सिक्का भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में रहा। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत में तो उनका यह फैसला अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि पहले दिन जब टीम इंडिया बैटिंग करने के लिए आई तब पहला सेशन तो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जी हां दोस्तों, दरअसल लंच से पहले टीम इंडिया ने अपने 4 बल्लेबाज 50 रनों के भीतर ही गवा दिए थे। टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी। ऐसा लगने लगा था कि अब तो भारतीय टीम का कुछ नहीं हो सकता है। यहां से यदि टीम इंडिया 150 रन भी बना ले तब श्रीलंका से लड़ाई लड़ पाएगी, वरना तो भारत का बेड़ा गर्क है। लेकिन दोस्तों, जब तक भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैदान में मौजूद है, वो नामुमकिन से नामुमकिन मैच में भी जान डाल देते हैं। और आज के मैच में ही ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला, जहां एक समय तो ऐसा था जिसे देखकर सबकी सांसें थम गई थी। जी हां, आपको बता दें, टीम इंडिया को इस मैच में विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में ही श्रीलंका के कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने फैसला किया कि वो अपने सबसे बड़े मैच विनर कमिंडो मेंडिस से गेंदबाजी करवाएं, और उनका ये तीर निशाने पर लगा जब मेंडिस ने अपने दूसरे ओवर में खतरनाक लग रहे यशस्वी जायसवाल का शिकार टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया था, जहां यशस्वी केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि पहले विकेट के बाद टीम इंडिया दबाव में नहीं थी। अब रोहित का साथ निभाने के लिए शुभमन गिल आए थे, लेकिन दोस्तों, इस खिलाड़ी का खराब फॉर्म इसका पीछा अभी भी नहीं छोड़ रहा है। टी20 और वनडे में तो उनका बल्ला नहीं चला, और टेस्ट क्रिकेट में जो उनसे उम्मीदें थी उस पर भी इस खिलाड़ी ने पहले टेस्ट मैच में पानी फेर दिया, जहां ये शुभमन गिल भी केवल 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केवल 28 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 2 बल्लेबाज गवा दिए थे। हालांकि एक छोर से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मैदान में थे, लेकिन उनका साथ निभाने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं था। विराट कोहली ने आती चौके से अपना खाता तो जरूर खोला, लेकिन ये खिलाड़ी भी केवल 6 रन बनाकर अशिता फर्नांडो का शिकार हुआ। तो ऋषभ पंत की टेस्ट वापसी भी शानदार नहीं रही, उन्हें तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, और टीम इंडिया की हालत बेहद खराब हो गई। अब दोस्तों, ये 4 बड़े झटके भारत की टीम को 50 रन के कुल स्कोर से पहले ही लगा चुके थे। अब भी रोहित शर्मा भले धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अपना विकेट किसी को देने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ रोहित शर्मा का साथ निभाने के लिए सरफराज खान को भेजा गया, जहां सरफराज खान ने भी उम्मीद लगा रखी थी कि मुश्किल परिस्थितियों में वह वहीं कप्तान रोहित शर्मा का साथ निभाएंगे। अब दोनों बल्लेबाजों ने जैसे तैसे करके 4 विकेट के बाद पहले सेशन में कोई और विकेट खोने नहीं दिया, और यहां लंच समापन हो जाने के बाद रोहित शर्मा ने जहां 42 रन से आगे खेलना शुरू किया, तो वहीं सरफराज खान 6 रन से आगे खेलने के लिए उतरे। अब दोस्तों, यहां इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरा दारोमदार था भारतीय टीम को यहां से कम 200 रन के करीब लेकर जाने का। अब रोहित शर्मा को न जाने लंच काल में क्या हुआ कि ऐसा क्या सोचा उन्होंने, कुछ सोचे समझे बिना ही के छक्कों की बरसात करना शुरू कर दी। जी हां दोस्तों, वो समझ चुके थे कि इस मैदान पर धीमी बल्लेबाजी करके जरूर परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, ऐसे में तेज बल्लेबाजी करके यहां मैच को क्यों ना आगे तेजी से बढ़ाया जाए। अब रोहित शर्मा तो अपनी अगले असली रंग में आ चुके थे, और उनका साथ निभाते हुए सरफराज खान ने भी अब ठान लिया था कि वो मुकाबले को पलटने का काम करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अब चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। मैच तेजी से आगे बढ़ता चला गया, दर्शकों को भी अब आनंद आने लग गया। जो स्कोर भारत की टीम को पहले सेशन में मात्र 80 रन पर टिका हुआ था, अब वही स्कोर दूसरे सेशन में 250 पार कर गया। जी हां दोस्तों, आप सभी को सुनकर भी हैरानी हुई होगी, क्योंकि यहां रोहित शर्मा ने अपना शतक पूरा कर लिया था। जी हां, इन मुश्किल परिस्थितियों में मुश्किल पिच पर भी रोहित शर्मा ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि शुरुआत में भले दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन एक बार अगर बल्ला जम गया तो इस मैदान पर खूब रन बनाए जा सकते हैं। रोहित शर्मा की ऐसी बल्लेबाजी देखकर बाकी आने वाले बल्लेबाज
बल्लेबाजों को भी काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा का साथ निभाने वाले सरफराज खान ने तो अपने अर्धशतक को वो भी टेस्ट क्रिकेट में मात्र 62 गेंदों में पूरा कर दिया। अब दोनों बल्लेबाज इस चरम पर बल्लेबाजी कर रहे थे कि श्रीलंका के गेंदबाजों को सोचना पड़ रहा था कि आखिरकार भारत के बल्लेबाजों को आउट किया कैसे जाए। यहां दोस्तों रोहित शर्मा को आउट करने के लिए कप्तान धनंजय डिसिल्वा हर तरह की रणनीति बना रहे थे और वो जानते थे कि रोहित का एक विकेट गिरते से ही यहां पर मुकाबला जरूर फंसेगा। लेकिन यहां पर रोहित शर्मा पहले तैयार थे, उन्होंने डटकर सामना श्रीलंकाई गेंदबाज लहिरू कुमार आशिता फर्नांडो विश्वा फर्नांडो का किया और यहां उन्होंने किसी को भी बख्शा नहीं। इस दौरान रोहित शर्मा ने 100 रन पूरा करने के बाद 133 रन तो पलक झपकते बना दिए थे। अब भारत की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी, जिसे देखकर श्रीलंका गेंदबाजों के मन में चूहे काट रहे थे कि आखिरकार अगर रोहित का बल्ला ऐसे ही चलता रहा तो वो मुकाबले में जरूर पिछड़ जाएंगे। यहां पर रोहित शर्मा ने अपने आक्रामक रूप धारण कर लिया, लेकिन इस मुकाबले में 149 रन बनाकर जब रोहित खेल रहे थे तभी उनका विकेट कमिंडो मेंडिस को मिला। जी हां दोस्तों, कमिंडो मेंडिस ने लेग ब्रेक गेंद पर रोहित शर्मा को पुल शॉट खेलने पर मजबूर किया और पुल शॉट लगाने के लिए गए रोहित शर्मा जहां अक्सर छक्के बटोरते हैं, वहीं आज एंजेलो मैथ्यूज ने यह शानदार कैच लपककर भारतीय टीम को पांचवां बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा 149 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में रोहित ने 15 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए। अब रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे सरफराज खान का साथ निभाने के लिए रविंद्र जडेजा, जहां रविंद्र जडेजा और सरफराज खान ने मिलकर अब इस स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। इस दौरान सरफराज खान का विकेट 85वें ओवर की चौथी गेंद पर गिरा। जब आज का दिन समापन होने जा रहा था तब एंजेलो मैथ्यूज ने आकर दिनेश चांदीमल के हाथों सरफराज खान को आउट करवाया और सरफराज खान का विकेट गिरते के साथ ही आज का ये मुकाबला भारतीय टीम के लिए थोड़ा सा पेचीदा जरूर हो गया, जहां सरफराज 86 रन बनाकर पवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों अभी भी मैदान पर रविंद्र जडेजा टिके हुए थे, जिन्होंने पहले दिन के मुकाबले के दौरान इस पिच पर 79 रन की पारी खेल ली है। और दोस्तों अब अगर रविंद्र जडेजा चाहे तो बड़ी आसानी से भारतीय टीम को पहली पारी में 400 रन के पार दूसरे दिन करवा सकते हैं। और अगर रविंद्र जडेजा ने यह कारनामा कर दिखाया तो जडेजा की वजह से भारत की टीम इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदार हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं लगता कि 400 के पार अगर भारत की टीम गई तो श्रीलंका की टीम 400 के करीब भी पहुंच पाएगी। और भारत एक तरफा मैच में जीतेगा, वो भी श्रीलंका को दोनों पारी में बल्लेबाजी लगातार देकर। तो ऐसे में दोस्तों यहां रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और सरफराज खान की बदौलत इस मुकाबले में भारतीय टीम ने वापसी कर ली है और भारतीय टीम ने आज का दिन समाप्त होने तक 90 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट गंवाकर 380 रन बनाए हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया क्या दूसरे दिन 500 से अधिक रन बनाकर श्रीलंका को हरा पाएगी? आप जडेजा की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।